नमस्कार। पिछले एक वर्ष से अधिक समय से मैं जिस मामले को लेके बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन का घोटाला हो रहा है, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के आसपास के क्षेत्र में हजारों करोड़ का भूमि घोटाला हो रहा है और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बार बार कहने के बावजूद मुकदमे मुझ पर लिखे जाते रहे, राष्ट्रद्रोह मेरे ऊपर लगाया जाता रहा। एक दिन में आदित्यनाथ जी की सरकार ने 9 एफआईआर किया मेरे ऊपर, कुल 23 एफआईआर किया। लेकिन जिन लोगों पर मैं कार्रवाई की मांग कर रहा था उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये पत्र मैं दिखा रहा हूं, ये जून के महीने का पत्र है, ये 24 जून 2021 का पत्र है। और इस पत्र में मैंने साफ तौर पे कहा था कि ऋषिकेश उपाध्याय, इसमें जो पहला आरोपी है, देखिए आरोपी नंबर प्रथम जो है, नंबर एक का जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर का नाम मैंने दिया था, इसमें ऋषिकेश उपाध्याय, इसमें सुल्तान अंसारी का नाम दिया था, उसके परिवार का नाम दिया था। और ये नगर कोतवाल के नाम पे मैंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कई आरोपियों के नाम इसमें दिए थे और कहा था कि ये लोग जमीन का घोटाला कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जमीन का घोटाला कर रहे हैं। ये मैंने बार बार कहा था, आपको याद होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय, और मैंने प्रमाण सहित बताया था कि किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई 5 मिनट के अंदर। किसके द्वारा? ट्रस्ट के द्वारा। और बड़ी मजेदार बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जमीन बेचने वाले में भी गवाह थे, जमीन खरीदने वाले में भी गवाह थे। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर जमीन खरीदने और बेचने वाले में गवाह थे। और यह घोटाला मैंने खोला था और इसमें कहा था कि एफआईआर दर्ज करो, कब? 24 जून 2021 को। कार्रवाई लोगों पर नहीं हुई, कार्रवाई मेरे ऊपर हुई, मेरे ऊपर लगातार मुकदमे हुए, अलग अलग मामलों में हुए। लेकिन आज क्या कर रही है आदित्यनाथ जी की सरकार, आज क्या कर रहे हैं उनके सांसद? यह चिट्ठी है भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह जी की, जो अयोध्या से सांसद हैं, और यह चिट्ठी इन्होंने लिखी है 31/7/2022 को, यानी कि 31 जुलाई 2022 की चिट्ठी है। ये जमथरा माझा इलाका है जिसको अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट घोषित किया है कि वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। ये प्रभु श्री राम के मंदिर के 1 किलोमीटर के आसपास का इलाका है और साफ तौर पर कहा कि ये ग्रीन बेल्ट है, यहां पे कोई निर्माण नहीं हो सकता। और उस ग्रीन बेल्ट में जमीनें खरीद खरीद के अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। अब ये बात इतना हंगामा और हल्ला करने के बाद, 1 साल से अधिक की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने माना है और 40 लोगों की सूची जारी की है। क्या लिखा है ऊपर इसमें? इसमें लिखा हुआ है अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का स्थान एवं कॉलोनाइजर के नाम, ये लिखा हुआ है, यानी कि कॉलोनियों के निर्माण करने वाले और अवैध प्लाटिंग करने वाले
जमीन का घोटाला करने वाले, हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले जमीन के नाम पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और इसमें नाम कौन कौन से हैं? वही पहला आरोपी जिसका नाम मैंने दिया था, ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, इसमें उसका नाम है। इसमें अयोध्या के नगर के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का नाम है। इसमें तीसरा नाम गोरखनाथ बाबा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है, उनका नाम है। इसमें सुल्तान अंसारी का नाम है। इसमें नन्हे मियां का नाम है। इसमें बन्ने खान का नाम है। ये नाम पढ़िए आप लोग। और मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों से, पता नहीं तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है, इस देश के लोगों को तुम्हारे ऊपर शर्म आती है। तुम्हारी आस्था भगवान श्री राम में नहीं है, तुम्हारी आस्था भ्रष्टाचार में है, दलाली में है, लूट में है, जमीन के घोटाले में है। भगवान में आस्था नहीं है, भ्रष्टाचार में आस्था है। और इस लिस्ट से ये सारे आरोप सही साबित होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का शासन कहां सो रहा था? आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर दूसरे महीने, हर महीने तीन बार चार बार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जाते थे, पिछले कार्यकाल में भी, अभी भी। आपको बार बार मैंने बताया और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इन जमीन के लुटेरों को लूटने दिया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मेयर हैं। इन जमीन के लुटेरों को घोटाला करने दिया प्रभु श्री राम की धरती पर क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़े हैं। मैंने हजारों साक्ष्य दिए, हजारों कागज दिए, कोई कार्रवाई नहीं। मिलके बंदर बाट चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस खुलासे के बाद अब ये सारे लोग जेल के सीकचों के पीछे होने चाहिए। और जिन्होंने प्रभु श्री राम की नगरी में ग्रीन बेल्ट के अंदर अवैध कॉलोनियां बनाई हैं, प्लॉटिंग की है, जबरदस्ती कब्जा किया है, उन सब के प्लाट पर बुलडोजर चलना चाहिए और वो सारे की सारी जमीनें खाली कराई जानी चाहिए। मैंने तो धरना भी दिया था वहां पे, दलितों की जमीन कब्जा करके बैठे हुए थे लोग, मारसी वालों का पूरा डिटेल दिया था मैंने। बात सुनते नहीं, मानते नहीं, कार्रवाई करते नहीं समय पे। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब बाबा जी की सरकार जाती है। यही आचरण है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए मेरी मांग है कि आप बगैर विलंब किए जिन नेताओं का और जिन लोगों का नाम आया है, ये 40 नाम अवैध कब्जेदारों के, जो जो निर्माण इन्होंने किया है, उन सब पे बुलडोजर चलाया जाए, जमीन खाली कराई जाए प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के क्षेत्र की। और अगर वो ग्रीन बेल्ट है तो कैसे इन्होंने निर्माण कर लिया, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, किसको कितनी रिश्वत मिली, कितनी दलाली मिली, कितना घोटाला किया, सबको उठा के अंदर कीजिए, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती है। और हमारी जो FIR के लिए हमने 24 जून को यह पत्र जो दिया था कोतवाली नगर में, 24 जून 2021 बाबा जी आपसे निवेदन है, आदित्यनाथ जी कृपा करके जागिए और हमारी इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करवाइए। ये जो एक साल से अधिक समय से आपके यहां पेंडिंग है अयोध्या कोतवाली में, टीम की गई है, उसको बेचा गया है, हजारों करोड़ का खेल किया गया है और उस क्षेत्र में किया गया है जहां पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, जिसको ग्रीन बेल्ट घोषित किया जा चुका है, जो प्रभु श्री राम के, भगवान रामलला के मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, 1 किलोमीटर के दायरे का क्षेत्र है,
तो भाजपा के लोग इसीलिए मंदिर का आंदोलन कर रहे थे कि भगवान का मंदिर बनाएंगे और उसके आसपास जमीनें बेच बेच के पैसा कमाएंगे, लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे हजारों करोड़ रुपए आस्था के नाम पर और उसमें घोटाला करेंगे। सारे पेपर मैंने दिखाए थे और सब कुछ बताया था। सवा साल बाद अब जग रहे, कह रहे हाँ वैध कॉलोनियां बन गई। सवा साल तक बनने दिया, सवा साल तक प्लाटिंग होने दी, सवा साल तक कब्जेदारी होने दी। अब याद आया नहीं नहीं नहीं, ये तो कब्जा हो गया। तो मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही बुलडोजर चलाने में बहुत तेज है, चलाइए बुलडोजर कल से, ये सारी जमीनें खाली कराइए, ये सारी जमीनें खाली होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और भाजपाइयों के किसी भी आरोप को गंभीरता लेना, समय व्यर्थ करना है उनका, सुबह से लेकर एक ही रात तक सोते समय तक एक ही काम है, कैसे केजरीवाल को आरोपित करो, कैसे आम आदमी पार्टी को आरोपित करो, ये ईटा यहां कैसे लग गया, ये खड़ंजा यहां कैसे लग गया। कल तो सुबह 8 बजे उठे थे केजरीवाल जी, आज सुबह 4 बजे कैसे उठ गए, रात में 10 बजे कैसे सोए, खाना कहां खाया, दाल खाई तो रोटी खाया कि नहीं खाया, उनको तो जांच कराना है, कराने दीजिए। उनके पास यही काम है, एलजी साहब के पास और भाजपाइयों के पास सिर्फ यही काम है, दिन रात आरोप लगाओ। उनको भेजा इसी काम के लिए गया, तो क्या करेंगे बेचारे, कुछ तो करेंगे, पूरा का पूरा दिन खाली तो बैठ नहीं सकते। उनसे पूछा जाता है ऊपर से क्या किया आज, तो बताते हैं हुजूर ये करके दिया। जिस दिन बोल देंगे नहीं मिला कुछ, बोलेंगे कुछ तो निकालो, कब सोए थे, कब उठे थे, कब खाना खाया, कब वॉक पे गए, उसमें ही कुछ कमी निकाल दो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आदमी जो 5 गनर लेके चलता है, एक आदमी जो एक महिला के साथ अभद्रता करता है, अश्लील गालियां देता है और एक समाज का नाम लेके, बनिया समाज का नाम लेके मां की गाली देता है और 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया वो फरार है। कैसे फरार है वो? और फरार तो छोड़ दीजिए, उसके गुंडे आके कॉलोनी में फिर से लोगों को धमका रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो सांसद जी को आना पड़ता है, सांसद जी कह रहे हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उनकी कमिश्नर नहीं सुन रहा, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। अब मैं, सांसद जी ने कहा तो जरूर, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो लोग बाद में भी आए हैं वो भी दरअसल भाजपा के लोग हैं। उसमें जब सांसद जी कह रहे थे गुंडे कहां से आ गए, ये गुंडे कहां से आ गए, तो उनको पता ही नहीं था कि एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला मंत्री है जो सांसद जी के साथ पहले भी फोटो खिंचवा चुका है, उनसे मिल चुका है, उनके संपर्क में है, वो भी वहां पर बैठा था, एक और भाजपा का पदाधिकारी वहां पर बैठा था। तो भाजपा एक आतंक का पर्याय बन चुकी है, भाजपा के पदाधिकारियों को देखकर लोग डरने लगे हैं, कब किससे कर किससे के साथ गाली गलौज कर दें, कब किसको चौराहे पे मार पीट दें, कहां किस महिला को अपमानित कर दें। एक बरेली की घटना में देख रहा था, वहां भी एक कोई रस्तोगी नेता है, वो पीट रहा था एक महिला को और उसकी बेटी को पीट रहा था सरेआम। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब सब लोग अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके रहिए, जब जैसे वो एक फिल्म थी नहीं, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो भाजपाइयों की हालत यही हो गई है, जहां दिखे अपना दरवाजा बंद करके घर में बैठिए भैया, किसको कब गाली दे दें, किसको कब डंडा लेके दौड़ा दें, कहां मारने पीटने लगे, कोई भरोसा नहीं। बददिमागी का जो स्तर है वो चरम पर जा चुका है। आप मुझे बताइए उसको 5 गनर मिले हुए कैसे मिले हुए भाई? उसकी फोटो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ, उसकी फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ, उसकी फोटो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ, क्या ये समझने के लिए काफी नहीं? हम लोग बच्चे हैं,
उसको भाजपा के सरकार का संरक्षण अगर नहीं होता तो ऐसी दबंगई वो कर सकता है।